काइट फ्लाइंग के 2 दिन आप छत पे रहोगे, सन को एक्सपोज करोगे, तो नेचुरली सनबर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। एक मेडिसिन है SOL, सोल, तो ये शुगर ऑफ मिल्क को धूप में एक्सपोज करके उसमें से ये दवाई बनाई जाती है। उसके अलावा मेन मेडिसिन जो है पल्सेटिला, बेलाडोना, सल्फर, एंटम क्रूड, कैंथारीस, आप बोल सकते हो बोविस्टा, एपीस, कैम्फर, अटिका यूरेंस, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर सल्फर। और एक कैंथारीस मेडिसिन है कि कैंथारीस भी जिसमें फीलिंग आता है कि ठंडे पानी से वॉश करने से पेशेंट को अच्छा लगता है। और अगर सन को एक्सपोज होने के बाद रेडनेस ज़्यादा है और बर्निंग है तो सल्फर यूज़ कर सकते हैं, रेडनेस है तो और बर्निंग है तो बेलाडोना भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कैम्फर है वो उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है जब ये सनबर्न होता है, तो अच्छी मेडिसिन है, आप यूज़ करके देख सकते हैं सनबर्न में होम्योपैथी।